करती हैं चीजें, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। तो वो अटैक करेगा आपके स्वभाव पर कि ताकि आप उसके चेले ना कहलाएं आप, क्योंकि आपके स्वभाव के कारण। मैं फिर बता रहा हूं कि आपके आपका स्वभाव अच्छा होगा तो आपकी मम्मी डैडी भी विश्वास जो 2 साल लोगे नहीं कर रहे वो 2 दिन में करेंगे। आपका नेचर आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी परमेश्वर के कामों में आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन वो शैतान को मालूम है इस बात के लिए कि इनका नेचर कितना कीमती है, क्योंकि चुंगी लेने वाला क्या कर रहा था, चुंगी लेने वाला जब वो पहले क्या करता था, वो लोगों को ठगता था, लोगों को ठगता था, उनके पैसे रख लेता था, उनकी ज़मीनें रख लेता था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के दर्शन किए तो उसका नेचर बदल गया और उसके बाद क्या हो गया, अब वही आदमी वो जो है लुटा रहा है, कह रहा है 4 गुना वापस दे रहा है, जिसका लिया था कहता है यीशु मसीह में 4 गुना वापस दे दूंगा। तो मतलब परमेश्वर नेचर बदलता है, याद रखना। कुछ लोग बोलते हैं धर्म बदलता है, याद रखना परमेश्वर नेचर बदलता है सबसे पहले। आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो सबसे पहले आपका स्वभाव बदलेगा। अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो मैं नहीं मान सकता कि यू आर क्रिश्चियन, आप प्रभु में नहीं है। अगर आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपका पहले गुस्सा आता था अब वो थोड़ा कम हो गया, आप चेंज हो रहे हैं, कोशिश हो रही है आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अंश आना शुरू हो गया। मतलब नेचर पर अटैक करता है, उसको मालूम है कि जब मसीहत में एक व्यक्ति आता है तो उसका नेचर सुधरने लगता है। वो गाली देता था, 500 गाली देता था एक सांस में, लेकिन अब वो गालियां नहीं देता, अब वो झूठ नहीं बोलता, अब वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब उसके स्वभाव में चेंजिंग, अगर आपके स्वभाव में चेंजिंग आ रही है तो याद रखना आपके हर काम में आज से चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी औरतों के नेचर यही रहते हैं कि आदमियों के नेचर यही रहते हैं कि नहीं मेरे को उसके पैसा नहीं होता तो उसको गुस्सा आता है। औरतों को के नेचर ये होते हैं कि अगर उसकी चीज उसके उसके भाई और सास को दे दो, माँ को दे दो, बाप को दे दो तो वो अच्छी है, जठानी दरानी को दे दो तो वो अच्छी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको नेचर नहीं बिगाड़ना, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिलती है तो आप अपने स्वभाव को मत खोएं, मत परमेश्वर का आत्मा कर अपनी शांति को मत खोएं। तो आप उसी समय शैतान के विचारों को आप समझे कि वो आपके ऊपर एक अटैक करना चाहता है, मतलब नेचर पर अटैक करना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसका नेचर ही खराब हो गया, इसका स्वभाव ही गुस्से में आ गया तो ये आज बाइबल नहीं पढ़ेगा और ये प्रार्थना नहीं करेगा, तो वो पहला अटैक है। कहता दूसरा, कहता आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर। जब कह रहा है कि आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करते हैं, आप पवित्रता में चलने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उसी चीज में गिराने की कोशिश करता है। कह रहा तीसरा अटैक पारिवारिक जीवन पर करता है कि परिवार में कोई ना कोई समस्या लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात याद रखना, ये समस्याएं जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप चिंता करना बंद नहीं करते, ये अटैक्स वो करता रहता है लाइफ पर। एक मसीह विश्वासी एक औरत मेरे पास आई और वो कहने लगी कि पापा मैं इतनी बाइबल पढ़ती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, तो मेरे जीवन में मेरे घर पे इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि बेटे इसको बता कि इसके घर पर अटैक्स इसलिए हो रहे हैं, कहता है कि इसने अपनी 5 गेट क्षेत्रों को बंद नहीं किया हुआ, मतलब 5 इंद्रियों को बंद नहीं किया हुआ। कौन सी कह रहा है कि वो आँख कान मुंह और मन, और कहता है कि आपको इन चीज़ों को अपने आप को देह प्राण आत्मा जो यीशु मसीह की है, कहता है उसको आपको ध्यान से करना है, क्योंकि शैतान ने कह रहा है इन चीज़ों 5 इंद्रियों पर बड़ा जोर दिया हुआ है। एक आदमी आंखों के कारण कहता है कि वो गिर जाता है, कह रहा आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, आपकी धार्मिकता पर। अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, उसका मतलब इकट्ठा लिख देता है, अब आपकी धार्मिकता पर अटैक करता है, मतलब अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। जो आप अपनी गवाही देते हैं तो आप एक धार्मिक वो कहलाए जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं, तो अपनी धार्मिकता को खराब नहीं होने देना। अपने जो आपने डिसीजन लिए होते हैं तो वो आपकी धार्मिकता है, आपने अपनी धार्मिकता पर आप पर अटैक करता है, आपकी गवाही को खराब करने की कोशिश करता है। मतलब तो आज आपको इन चीज़ों पर बचना है, कहता है। लेकिन अगर आपको इन 5ों में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो आप कह सकते हैं, देखो ज़्यादातर हर व्यक्ति के साथ नेचर पर अटैक होता है, उसके स्वभाव पर, उसकी आत्मिक लाइफ पर, उसके पारिवारिक जीवन पर, उसके फाइनेंस पर अटैक होता है। और इसलिए क्योंकि ताकि ये बढ़ ना पाए और घट जाए और प्रॉब्लम आए। शैतान ने ज़्यादातर देखो दाऊद की स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक किया, और उसके बाद उसने क्या किया, कहता उसके दाऊद के परिवार पर अटैक कराया,
जब दाऊद युद्ध में गया हुआ था, पीछे से उसके परिवार पर अटैक करा दिया, मतलब कि ताकि वो टूट जाए और समस्या में चले जाए। अय्यूब के फाइनेंस पर अटैक कराया, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा, कहता है कि फाइनेंस पर करके, खासकर फाइनेंस पर अटैक करता है क्योंकि उसको मालूम है। हम पढ़ेंगे मती की किताब 6:21, देखो क्या लिखा। हाँ, कहता है जहां तेरा मन होगा, जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। मतलब उसने क्लियर कर दिया उसको, पहले से पढ़ेंगे शुरू से इसको, हाँ इसके 20 से पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कहीं बिगाड़ने वाला है, जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कई बार इन विषयों के लिए प्रार्थना नहीं करते। एक आदमी बोल रहा था, कहता है पापा के मुझे पता समझ नहीं आ रहा, कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे करेंगे, यहाँ तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके कहने का मकसद ये है, कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों में आगे चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अपना धन जो है आप यहाँ दूसरों, कहता है कि आपने जो दूसरों की हेल्प किया, गरीबों की हेल्प किया, आपने जो दान दिया, आपने दशमांश दिया, आपने जो है कहता है कि अच्छा कर्म किया, तो उसका मतलब आपने अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लिया। आपकी समझ में आया? मतलब जो थोमा को एक राजा जो है वो दान देता था, वो एक, क्योंकि एक बड़ा कलाकार था, वो एक महल बनाने वाला कलाकार था, मैं इस वचन से बता रहा हूँ। तो वो उसी समय वो महल के लिए उसको बुलाया गया, और उसी समय वो कारीगर था, बहुत बड़ा, तब उसको महल के लिए बुलाया गया। जब उसे महल के लिए बुलाया गया बनाने के लिए, क्योंकि वो बहुत नंबर वन परफेक्ट मिस्त्री था, और उसी समय उसको राजा ने बहुत पैसा दिया, लेकिन वो परमेश्वर के ज्ञान को जानता था थोमा, वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। वो हमारे इंडिया में गोवा तक भी आया, हो सकता है पंजाब तक भी आया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उस राजा का महल जब बनाने के लिए किया, तो उसी समय उसने देखा, कहते हैं कि यहाँ पर तो इतना बड़ा महल बनाने के लिए उसने पैसा दिया, सब कुछ दिया उसको, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर आ जाता, फिर पैसे लेके चला जाता, फिर वो महल बनाता, फिर चला जाता। लेकिन एक दिन कह रहे थोमा को दिखाई दिया, और वहाँ पर राजा ने कहा मैं इसका महल देखने के लिए जाता हूँ। कहता है इसने मेरा महल कितना सुंदर बनाया है, मेरे से पैसे लेके जाता है, 4 किस्तें लेके चला गया। और जैसे ही वो 4 किस्तें लेकर गया वहाँ पर, तो उन्होंने देखा, कह रहे कि वहाँ पर तो कोई भी महल नहीं है। तो और बार बार थोमा उसको क्या कह रहा था, कहता तेरा जो कह रहा जो तेरा महल है वो स्वर्ग में बन चुका है, क्योंकि तूने इतना दान दिया है। कहता मैंने तेरे पैसों से लोगों में दान बांटा है, लोगों की हेल्प की है, लोगों का ये किया। उसने राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें लोग नहीं जानते, लेकिन राजा का जब भाई मर गया तो उसको बाद में पता लगा कि थोमा ने कहा मेरी प्रेयर के द्वारा ये जिंदा हो जाएगा, तो उसने प्रेयर किया और वो जिंदा हो गया। तो मतलब कि इजरायली लोग ये बताते हैं ऐसी घटनाएं। तो आपको इन चीजों में कोई पुराने जो बिशप हैं, पुराने जो कल्चर, पुराने जो पास्टर पुरानी किताबों में वो अपने अपनी गवाहियों में लिखते हैं ऐसी ऐसी बातें, उनसे मैं पढ़कर मैं प्रेरित होकर मैंने ये बात आपको बताई है कि पंजाब के अंदर भी कहता है कि ये ऐसी ऐसी कहानियां हमने सुनी है। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बताया और उसने प्रार्थना की और वो जिंदा हो गया। और वो बोलने लगा, जो जिंदा हुआ वो कहने लगा कि अरे तेरा राजा, तेरा महल तो बहुत सुंदर है, मुझे थोड़ा सा कमरा दे दे। तो उसने कहा, कहता यार तू मेरा भाई या पागल तो नहीं हो गया, तू अभी जिंदा हुआ है, क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा नहीं नहीं सच्ची में तेरा महल स्वर्ग में बहुत बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। तो मतलब वो कहता मैंने तो किसी को स्वर्ग में पैसा ही नहीं दिया बनाने के लिए, किसी को मिस्त्री ठेकेदार नहीं दिया। उसने कहा तो मुझे यीशु मसीह ने कहा, कहते जा और ये करा, इस संत ने जो तेरे लिए प्रार्थना की है, जो इसने थोमा ने जो तेरे लिए की है, कहता है कि वो आपको अब समझना है। कहता है यही चीजें हैं, कहता है कि आज आपको अपनी लाइफ में देखना है। कहता है जब आप यहाँ देते हैं तो आपको लगता है कि शायद मैं दान नहीं दे रहा, मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ। किसी गरीब की हेल्प करते हैं तो आपको लगता है मैं अच्छा कर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी एक एक बात परमेश्वर के स्वर्ग में नोट हो रही है। और वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि उस राजा को दिखाया कि तेरा भाई जिंदा हुआ इसकी प्रेयर से, तो इसका मतलब ये देख, कहते कि तेरे जो तेरे कर्म थे, कहते कि वो तेरा जो पैसा था वो वहां स्वर्ग में इसने लगाया, सही कामों में लगाया। आज प्रॉफिट बजिंदर जो आपसे ले रहा है, अभी आपको लग रहा होगा कि पैसे ले रहा है, लेकिन वो पैसा कहता है कि आपका दिया हुआ पैसा आपके लिए स्वर्ग में एक स्थान बना रहा है। हालेलुया। आपको नहीं पता आप कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी परमेश्वर की मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो वचन से हमें बताता है कि उन लोगों को बताओ और इनको बताओ। कहता है कि नेचर पर अटैक करता है, आपकी आत्मिक लाइफ पर अटैक करता है, आपके पारिवारिक जीवन पर अटैक करता है, वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। वो कहता है इसलिए, कहता है कि कहता है इसलिए यीशु मसीह ने उसको कहा एक जगह पर कि तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा
करो, कहता धरती पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां मन लगा रहेगा। जब तक आपका मन यहां पर लगा रहेगा तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, इन पांच चीजों पर वो आपकी धार्मिकता पर अटैक करता रहेगा, क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मेरा अपने नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे, आत्मिक लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे, पारिवारिक जीवन पर कहता है कि आप प्यार कर रहे हैं ज्यादा, फाइनेंस से आप ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मन लगा हुआ ना आपका परिवार पर और फाइनेंस पर, तो इसी समय वो शैतान जो है आपकी लाइफ पर ये चीजें पांच तरीकों से हमले करता है। जब हम देखते गिनती की किताब में 19 के 15 में परमेश्वर ने इन बात को बताया, कहता है कि हमें संभालना है इन चीजों को, इसलिए वो कह रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए कहता है कि इन चीजों को हमें संभालना है। लेकिन आत्मिकता में वो शैतान जो है वो आपकी लाइफ पर वो अटैक कैसे करता है बार बार, अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं एक जगह पर वो क्या कर रहा है, 1:14-15 में देखो क्या लिखा, अय्यूब के 1:14-15 में पढ़ो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैल से देखो कह रहा है बैल से हल जोत रहे थे और गदियां उनके पास कह रहा चर रही थी। हाँ आगे देखो बाइबल बताती है कि उसके बैलों पर अटैक किया, इसका मतलब कि वो जानते थे, शैतान जानता था, क्योंकि अय्यूब को पता था कि अनॉइंटिंग कैसे आती है, कि बढ़ता आदमी कैसे है जब वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। तो जब वो आप दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, तो उसी समय शैतान को चीड़ होती है और वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। उसको मालूम था कि अय्यूब के फाइनेंस पर मुझे अटैक करना है और उसके बैलों पर, पशुओं पर अटैक करना है, जिससे जिसके कारण वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। आपकी नौकरी पर अटैक हो सकता है, आपके बिजनेस पर अटैक हो सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटैक हो रहे हैं आज रात से ये बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप आमीन बोलने वाले, आमीन बोलने वालों के ऊपर से अटैक खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को आपको विश्वास करना है। कहता है कि यही बात है, कहता है अय्यूब के ऊपर, कहता वो इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि अय्यूब परमेश्वर को खुश कर लेगा, उसको मालूम है मसीह लोग। एक औरत आई और वो कहने लगी, पास्टर जी मेरे पास इतने अटैक हो रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए कहते कि मेरी फैमिली में इतने अटैक हो रहे हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है दूध पीना बंद कर रहा है, मेरे पति के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बीमार पड़ा है, प्रॉब्लम है, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे से प्रार्थना भी नहीं हो रही है, मुझे सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा आता है। तो मैंने उसको ये बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बताया कि ये चीजें आपके आपकी फैमिली में क्यों हो रही हैं, अपनी अपनी पांच इंद्रियों पर ध्यान देने, कहता आंख कान नाक, कहता अपना मुंह, कहता ये आपको इन चीजों पर, कहता कि आपको अपने मन पर, कहता इन चीजों के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए अपने अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढकना है, अपने नेचर को यीशु के लहू में छिपाओ। कहता है कि अगर आपको बचना आत्मिक लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, कहता पारिवारिक जीवन को और इसी समय फाइनेंस पर, अपने यीशु के लहू लगाओ। कहता जब आप ढकते हैं, क्योंकि पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन आज कहता है क्या हो सकता है आप दूध के पतीले को पतीले से ढकते हो, पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अब यीशु मसीह के लहू से ढका जाता है। जब आप ढक देते हैं, मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका कनाडा बैठे हो और आप इंडिया में बैठे हो, या फिर कोई युद्ध छोड़ रहा हो यूक्रेन में, दुबई में, कोई अमान में, तो आप उसी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप यहीं से कह दो यीशु मसीह के लहू में मैं कवर करती हूँ अपने बच्चों को। मैं कह रहा हूँ आज ईश्वर दूत जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा, वचन का आदर करते हैं वो, और उसी समय परमेश्वर उनको छिपाएगा। हो सकता है कि आप बैठे हैं और आप अब मुंह से बोलते नहीं, आप कहो कि यीशु मसीह के लहू से मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से छिपा देती हूँ, और उसी समय पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, आशीष आने लगेगी। और उस लेडी को जब मैंने इस तरीके से बताया, उसके फाइनेंस में बढ़ोतरी हुआ, उसका बच्चा आशीषित हुआ जो बीमार था ठीक हो गया, और थोड़े सालों के बाद देखा मैंने कि उसने एक अपना चर्च खोला, मिनिस्ट्री खोली और वो प्रचारक बन गई। पवित्र आत्मा मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन जब हम हेल्प लेते नहीं है तो परमेश्वर करता नहीं। आज बहुत सारी चीज़ों पर शैतान जो है अटैक कर रहा है, लोगों के फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, नुकसान कर रहा है, निराश कर रहा है, तो आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आप ज़्यादा निराश हो रहे हैं, फाइनेंस पर अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तलाक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्टॉप करना है अपने आप को, समय सोचना है कि कहीं मेरा जीवन खराब ना हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा वचन से बताता है, निर्गमन 34:33 में हम देखते कि क्या लिखा कि मूसा के सभाओं पर अटैक किया शैतान ने, वो अच्छे से महल में रह रहा था, लेकिन उसके सभाओं पर अटैक किया, क्या अटैक किया, उसको इतना गुस्सा आया और उसने एक आदमी की हत्या कर दिया।
मिश्री को मार दिया और उसी समय भागा वहां से, लेकिन उस समय में वो पवित्र आत्मा के नजदीक गया और उसी समय वहां पर देखो क्या लिखा कि मूसा के फेस के ऊपर इतनी बड़ी, कह रहा कि मूसा के फेस को देखते ही लोग चंगे हो जाया करते थे, क्योंकि वो जो प्रेयर रूम से बाहर निकलता था तो उसके ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग होती थी और वो प्रेयर रूम के बाहर निकलते ही लोग देखते थे चंगा हो जाया करता था। लेकिन देखो कि वो अनॉइंटिंग आई कैसे, लेकिन उस अनॉइंटिंग को उसने संभाल कर रखा। आज बड़ा पास्टर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना बड़ी बात है। आज एक अमीर आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, कहता है कि आपको उस अमीरी को संभाल कर रखना है, अपने गड्स को संभाल कर रखना, अपनी आशीषों को अभिषेक आना कर आसान है, लेकिन कहता है कि उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक क्विंटल की बोरी दे सकता हूं, वो आप लेकर तो आप इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन सिर पर ले जाना बड़ी मुश्किल बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है अकेले नहीं उठा सकते उस भार को आप। लिखा जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। आप समझ रहे हैं? कहता अपने मुंह को ढक के रखा उसने, वो अपने प्रेयर रूम में जो परमेश्वर से बातें करता अपने मुंह को ढक के रखता। कहता कि वो ढके रखता क्योंकि उसको पता है, कहता इसका मतलब वो मूसा अपने आप को ढक रहा था। मैं कह रहा हूं आज संसारिकता में कहता हमें रहना है, आज हमें संसार के लोगों के बीच में जाना है, हमें ऐसे लोगों के बीच में भी जाना है जहां पर पाप है, गंदगी है, प्रॉब्लम है, पत्थर कोई भी किसी चीज को, कोई भी ऐसी चीजें जो हमें शुद्ध कर रही है, लेकिन उस समय में कहता अपने आप को यीशु के लहू से ढक कर जाना है आपको। कह रहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप एक मकान खाली कर दो। एक आदमी बोला, कहता कि जी इसमें घर में तो पहले कुछ पीर की चीजें थी, हमें तो मकान खाली करना पड़ेगा और जी हम बड़े तंग हैं जी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन अपने आप को रोज प्रार्थना में कहता कि अपने आप को ढक लो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि मूसा प्रार्थना करता अपने आप को ढक लेता, कहते का मतलब कहता है कि आपको ढकना, कहता जब वो मूसा इसराइलियों से बात करता था तब भी अपने आप को ढक के रखता था वो, लेकिन जब वो खोल देता था तो उसी समय उसके मुंह से किरणें उतरती थी, वो एकदम नहीं खोलता था, उसको पता था मेरे चेहरे पर एक अभिषेक है, और जब किरणें निकलती थी तो उसी समय लोग चंगे हो जाया करते थे। याद रखना जब मैं प्रेयर रूम में से होकर आपके लिए वीरवार को प्रेयर करता हूँ, एक घंटा पहले मैं प्रेयर करके आता हूँ आपके लिए, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो किरणें मेरे मुँह से उतर रही हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम, क्योंकि मैं प्रभु से बातें करके आ रहा हूँ। आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा जीवन अपना बना लेना है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपका नेचर बदलने लगेगा, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका फाइनेंस बदलने लगेगा, आपकी हर आशीष बदलने लगेगी, आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा और आपकी हर एक ब्लेसिंग खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने जो मूसा को कहता है कि वो अनॉइंटिंग दिया और उसको बताया, कहता है कि ढकना, ढकने का मतलब कहता है कि प्रार्थना से भी ढका जाता है। कि आप अपने आप को ढके, कह रहा है आपने आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो इसका मतलब सुरक्षा लेने में लेने के लिए प्रेयर करना पड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा बेस्ट आत्मा भेजता है उन लोगों के पास। आज मैं कह रहा हूं कि जो पहले कपड़े से अपने आप को ढकते थे अब वो यीशु के लहू से ढक रहे हैं, उनके ऊपर एक बेस्ट आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रेयर करना है, कहता ज्यादातर अनॉइंटिंग को लेने के लिए इन चीजों से अगर आप अटैक से बचना चाहते हैं तो आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, टाइट दें, फास्ट करें, पांच बेस्ट काम करें। मैं कह रहा हूँ पांच ही बेस्ट काम इस साल में बड़े बड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि लेकिन जो लोग बोलते हैं कहते हैं कि हमारे हमारे लाइफ पे ये अटैक क्यों हो रहे हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं यही चीज है, क्योंकि यही पांच चीजें अगर आपने गवाही देना सीख लिया, आपने फाइनेंस पे प्यार नहीं किया, मन नहीं लगाया, और आपने यीशु मसीह की बात माना और दान दशमा देना सीख लिया, पारिवारिक जीवन में टाइम देना सीख लिया, अपने और इस समय अपने पारिवारिक जीवन को खराब नहीं किया, प्रार्थना करना सीख लिया, फैमिली प्रेयर बोलते हैं उसको, और इसी समय कह रहा आत्मिक लाइफ कहता है अपनी को ठीक किया, तो उसी समय कहता है और अपने नेचर को संभाल कर रखा, कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता अपने कैरेक्टर को अपने चरित्र को संभाल कर रखा, तो परमेश्वर कह रहा है कि शैतान को मजबूर होना पड़ेगा, आज रात उसकी सारी प्लानिंग फेल होंगी, उसकी स्कीम फेल होगी जो आपके खिलाफ जो बनाए बैठा है वो। पवित्र आत्मा आज रात आपके आपके लिए रास्ते खोलना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इन बातों के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने अय्यूब के फाइनेंस पर अटैक किया, इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रभु में आने के बाद फाइनेंस पर अटैक करता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद मसीह में आने के बाद हम गरीबी रहते हैं क्या। पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आपके फाइनेंस से अटैक होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट होगी और आप पहले जैसे नहीं, आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम। दानियल 2:4 में दानियल अपनी लाइफ में देखो क्या कर रहा था। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। से आरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को सपन बता और हम उसका फल बताएंगे। हालेलुया, आगे भी पढ़ें।
राजा ने सिद्धियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपन को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। तो यदि तुम फल समेत सपन को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसीलिए तुम मुझे फल समेत सपन बताओ। उसने दूसरी बार कहा, हे राजा, सपन तेरे दासों को बताया जाए और उसका फल अवश्य समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देख कर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए भी तुम मुझे सपन ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है कि तुम पे गोष्ठी की होगी।